तो गाइस यार आज मैं फंस चुका हूँ एक माइनक्राफ्ट के ऐसे प्रिजन के अंदर जहाँ से निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, पर मेरे लिए नहीं क्योंकि मैं तो इतना प्रो हूँ आपको पता ही है। तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं और कैसे निकलना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ बेडरॉक लगी हुई है जिसको हम तोड़ तो सकते नहीं है माइनक्राफ्ट में कभी भी, और ये जो है ब्रेकेबल ब्लॉक्स, तो इनको मैं तोड़ के देखता हूँ। यहाँ पे ग्लोस्टोन के पीछे मिला है मुझे एवेंडर पल, पर इतना अंधेरा यहाँ पे तो इसको बोलते हैं, इसको हटाते हैं देखते क्या निकलता है, और इसको उठाते हैं। अभी कोई क्लू मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ सैंड भी लगी हुई है, सब कुछ उठा लेते हैं आगे चल के काम आएगा, कुछ नहीं है। और क्राफ्टिंग टेबल भी यहाँ से उठा लेते हैं। एक मिनट, क्राफ्टिंग टेबल के अंदर हम कुछ बना सकते हैं क्या? कोबवेब भी है यहाँ पे, कुछ नहीं निकला। तो शायद मुझे स्टिक से लेडर बनानी है, तो लेडर बनाते हैं जल्दी से। तीन लेडर मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, यहाँ से हम लोग इसको लगाना शुरू करते हैं। और यहाँ पे मुझे पता है क्या करना है, कुछ इस तरह से मुझे इस कोने में थ्रो करना है। और भाई मैं आ गया ऊपर, तो आपका भाई थोड़ा सा प्रो है। तो अभी यहाँ पे एक चेस्ट मिला है मुझे, इसमें क्या क्या है, चिकन का अंडा। तो चिकन के अंडे का तो मैं क्या करूंगा, सब कुछ ले लेता हूँ, आगे चल के काम आ सकते हैं। यहाँ पे पानी, इसके अंदर नहीं जा पा रहा मैं, तो कैसे भी करके इसके अंदर जाना है मुझे। इस ब्लॉक को रख के जा सकता हूँ क्या, देखते हैं। ओ जा सकता हूँ, अरे 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 मरा रे, जल्दी टूट जा रहे लेफ्टन, इसको टूटते ही वापस नीचे रखना है। और अभी जल्दी ऊपर चलते हैं कि खाना खा लेते हैं, एक मिनट इसको डंडे से पीटेंगे। और अभी इस चेस्ट को भी उठा लेते हैं यार, चिकन को खा लेते हैं पहले। ओके तो चिकन को मैंने खा लिया है, अभी मुझे जाना है नीचे की तरफ, और मेरी एचपी भी कम है। पर अभी मैं अगर नीचे जाऊंगा तो उसको तोड़ने में मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा और मैं वहीं के वहीं मर जाऊंगा। तो मुझे खाने का जुगाड़ करना था और मैंने चिकन को मारा, मुझे उसके अंदर से एक चिकन निकला है तो वो ही मुझे मिला था। और अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, इन्वेंट्री में चेक करता हूँ एक मिनट, कुछ है क्या खाने के लिए कुछ। ओ ब्रेड है, क्या बात है, ब्रेड खा के मैंने एचपी यहाँ पे इंक्रीज कर लिया है। तो अभी चलते हैं जल्दी से नीचे की तरफ, इसको जल्दी से तोड़ना है मुझे, अरे डूब के मर जाऊंगा यार। The next day. ओ आ गया भाई, Bye, have a great time. ओए, मैंने वो पोर्ट रख दिया, वो ऊपर चला गया। ऊपर क्या है, टारगेट ब्लॉक है एक, यहाँ एक तीर कमान है, और अच्छा एरो मुझे बनानी है। एरो तो एरो कैसे बनाएंगे, क्राफ्टिंग टेबल तो है ही नहीं यहाँ पे। क्राफ्टिंग टेबल गाइस मैं पीछे ही भूल चुका हूँ। तो मुझे एक निंजा टेक्निक लगानी होगी, करना भी क्या है क्राफ्टिंग टेबल का वैसे, तो मुझे शायद से उसको ओपन करना है, एक एरो बना के उस पर मारना है ताकि उसके अंदर जो भी चीज होगी वो बाहर निकल जाए। तो उसको तो मैं ऐसे ही ओपन कर सकता हूँ, कुछ इस तरह से इसके ऊपर छड़ के, कुछ इस तरह से इसको सैंड को इसके ऊपर रख दूंगा, और ये मेरे को दे दो तुम। इस लेफ्टन के ऊपर चढ़ जाते हैं, और इस लेफ्टन के ऊपर रख देते हैं चेस्ट, और इस सैंड के ऊपर छड़ के इसको खोलते हैं। फ्लेम वाली एन्चेंटमेंट है यहाँ पे, और अभी इन सब चीजों को तोड़ के मैं अपने साथ कैरी कर लेता हूँ, बस एनविल को नहीं कर सकता। तो अभी मेरे को इस पे फ्लेम वाली एन्चेंटमेंट लगानी है बो के ऊपर, तो मैंने फ्लेम वाली एन्चेंटमेंट लगा लिया, पर अभी मेरे को अंदर जाना है और वो कैसे हो सकता है मुझे नहीं पता है। ओ सिंपल है, यहाँ पर पानी था जो मैंने तोड़ दिया, उसको पिघलाना था फ्लेम वाली एरो से, पर इस गेट के पीछे पानी है। तो देखो मेरा दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल, तो यू नो मैं थोड़ा सा प्रो प्लेयर हो चुका हूँ इस गेम के अंदर, माइनक्राफ्ट वाले गेम में। तो यार देखो सिंपली यहाँ पर हम लोग जा सकते हैं इसके अंदर, और देखो कितना इजी था मेरे को यहाँ पर आना। पर यहाँ पर मुझे क्या करना है, अभी तो मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल है नहीं, तो फिर भी मुझे इसको कैसे भी करके ओपन करना है इस ड्रॉपर को। तो एक बार मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, एक सैंड ब्लॉक को यहाँ पर, और एक लेफ्टन को यहाँ पर, एंड इसको मैंने ओपन कर दिया। इतना डिमांड क्या रहा था कहाँ से मेरे अंदर, मेरे को पता भी नहीं है। एक क्राफ्टिंग टेबल तो मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली बनानी पड़ेगी वरना दिक्कत आ जाएगी आगे चल के। क्राफ्टिंग टेबल मैंने बना ली है, इस चेस्ट को ओपन करते हैं। चेस्ट ट्रैप्ड चेस्ट है, तो मैंने अभी वहाँ से सारे ओक्लॉक तो ले लिया, पर पता नहीं क्या करना है। आई थिंक मुझे यहीं कहीं पे ये ट्रैप्ड चेस्ट पेस्ट करनी होगी, क्योंकि अभी यहाँ से आगे मैं जा नहीं सकता कहीं पे। मेरा दिमाग तो यही बोल रहा है बिग ब्रेन आई हैव बिग ब्रेन। ओह हो गया, देखा गाइस मेरा बिग ब्रेन, मैंने बोला था कोई ना कोई कमांड एक्टिवेट हो सकती है उसके अंदर जाने से। पर अभी मुझे आगे क्या करना है, तो अभी मुझे लावा में जाना है या फिर वहां जाना है, शायद से वहां जाना है। तो वहां जाने के लिए मुझे एक गेट को मैं कुछ इस तरह से इसको प्लेस करता हूं, और मैं आ चुका हूं गेट के ऊपर, एंड इस गेट के ऊपर मैं प्लेस। ओए
कहाँ लग गया नूबड़े। इसको वापस से उठाते हैं, इस गेट के ऊपर वापस से चढ़ जाते हैं। अभी मुझे इससे ऊपर जाना है और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ बिग ब्रांड बोलती पब्लिक। यहाँ मेरे को क्राफ्टिंग टेबल वापस मिल चुका है। इसके अंदर क्या है, फर्नेंस में ब्लेज रोड और ये है कोबल स्टोन। तो यहाँ फर्नेंस के अंदर मुझे क्या करना है, ग्लास है, तो ग्लास मुझे एक सैंड यहाँ पर डालनी है और शायद से हाँ मैं समझ गया ब्लेज रोड और मुझे मिला है रेड स्टोन। तो इन सब चीजों से मुझे बनाना हो सकता है एक पोशन, क्योंकि मेरे पास लेदर वॉट भी है। पर इनको मैं स्मेल्ट कैसे करूंगा मुझे पता नहीं है। इसको स्मेल्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, तो मेरे को चाहिए शायद ब्रूइंग स्टैंड। तो ब्रूइंग स्टैंड बनाने के लिए मेरे पास इनफ रिसोर्सेज भी है, ब्रूइंग स्टैंड मैंने यहाँ पे बना लिया है। पर अभी मैं इस फर्नेस को एक्टिव कैसे करूंगा, अच्छा इस तरह से, ओके। तो यहाँ पर वेट कर लेते हैं कब तक हमारा ग्लास बनता है। The next day. तो फाइनली यहाँ पे ग्लास भी हमारे बन चुके हैं। तो अभी मेरे को इसको करना है ग्लास बोतल में कन्वर्ट। 3 ग्लास बोतल मैंने यहाँ पे बना लिया है। अभी मुझको यहाँ पर ये कैसे बनता है गाइज, फायर रेजिस्टेंस का पोशन कैसे बनता है, निंजा टेक्निक लगा के आते हैं। मैग्मा क्रीम का जुगाड़ हो गया, ये देखो ये रहा मैग्मा क्रीम। तो सबसे पहले मुझे डालना होगा इसके अंदर मैग्मा क्रीम। अभी देखते हैं कितने मिनट, ओ भाई 8 मिनट का, एक ही पोशन के अंदर मैं पूरी पार कर दूंगा इस लेवल को। ओके इस बोतल को फेंको, लेके भगवान का नाम, बस घुस जाओ इस लावा के अंदर। ऊपर जाते हैं, ऊपर जाना है नीचे जाना है पता नहीं, ऊपर चलते हैं, मैं तो ऊपर जाऊंगा। पोशन का इफेक्ट तो खत्म 8 मिनट बाद होगा, तो कोई दिक्कत है नहीं मुझे। और ये मैं आ चुका हूँ कहीं पे, यू हैव बीटन बर्ज के रूम्स। अच्छा ऐसा क्या, तो मुझे यहाँ पे खाने के लिए केक मिला है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।